कहीं ऐसा तो नहीं कि आज शाम आप बैंगन की सब्जी, बैंगन के पकोड़े या फिर बैंगन का भरता खाने की सोच रहे हैं, तो अभी रुक जाइए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इसे खाने के चक्कर में कई सारी परेशानियों को न्योता दे दे। हम मानते हैं कि बैंगन से बनने वाली डिश खाने में बेहद टेस्टी होती है, लेकिन इसे खाने से आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंच सकता है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बैंगन के खिलाफ भड़का रहे हैं, बल्कि हम आपको बैंगन से होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर कर रहे हैं, ताकि आप इससे होने वाले नुकसान को जानकर अपने शरीर को हेल्दी रख सकें। दरअसल बैंगन में एक तरह का केमिकल पाया जाता है जो बढ़ते बच्चों के विकास के लिए खराब माना जाता है। हालांकि इसका असर अचानक से देखने को तो नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ कुछ बच्चों में इसके असर को देखा जा सकता है। बैंगन खाने का अगला नुकसान ये है कि अगर आप बैंगन को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो इससे आपको हाइपोथैमिलस से जुड़ी समस्या आ सकती है। दरअसल हाइपोथैमिलस माइंड से जुड़ी एक परेशानी है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है। हाइपोथैलेमस के खराब होने से आपको मून स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। साथ ही आपको सेक्सुअल परेशानियां और स्ट्रेस से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। बैंगन खाने से शरीर में होने वाले अगले नुकसान की बात करते हैं, तो बैंगन आप में स्किन से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर आप बैंगन को खाते हैं तो आपको इचिंग जैसी प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ सकता है। साथ ही आपके शरीर में रैशेस होने के चांसेस भी बने रहते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को पाचन से जुड़ी समस्या रहती है, उनके लिए भी बैंगन का सेवन नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि बैंगन में पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, जो पेट से जुड़ी परेशानियों के लिए खराब माना जाता है। इसके अलावा बैंगन से होने वाले दूसरे नुकसानों की बात करें तो बैंगन आप में एसिडिटी की समस्या पैदा कर सकता है। साथ ही इसमें मौजूद ऑक्सलेट आपकी किडनी में स्टोन बनने के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। तो ये है बैंगन से होने वाले कुछ ऐसे नुकसान जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि बैंगन किडनी मरीजों के लिए कैसा रहने वाला है। तो अगर आप एक किडनी के मरीज हैं तो बैंगन का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैंगन में पोटेशियम काफ़ी हाई मात्रा में रहता है, जो आपकी डैमेज किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को खून की कमी की शिकायत होती है, उन्हें भी बैंगन के सेवन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बैंगन में कई ऐसे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो एनीमिया की बीमारी के लिए खराब माने जाते हैं। तो अगर आप बहुत सी बीमारियों को खुद से दूर रखना चाहते हैं तो बैंगन के सेवन से परहेज करें, और अगर आप बैंगन का सेवन करना ही चाहते हैं तो बैंगन को कभी कभार अपनी डाइट में कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आप भी किडनी से रिलेटेड या फिर किसी भी अन्य समस्या से परेशान हैं तो हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा ने अब तक 1.5 लाख से अधिक मरीजों को ठीक किया है और आज वे बिना किसी परेशानी के अपना जीवन जी रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें। नमस्कार।